स्वागत है। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके के पूरे ठाकुरदीन पूर्वा का मामला सामने आया है। यहां पर रहने वाले रामबरन का 14 वर्षीय बेटा विशाल रामेश्वर के ट्यूबवेल पर नहाने गया था। नहाने के दौरान उधर से गुजर रहे रामचंद्र चौहान के ऊपर पानी के कुछ बूंदे डाली गई। शराब के नशे में धुत रामचंद्र को पानी की बूंदे पड़ना नागवारा लगा और उसने किशोर को निर्दयता से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। रामचंद्र चौहान के इलाके में दहशत है, लिहाजा परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही इलाज कराते रहे। आज इलाज के दौरान जब किशोर की मौत हो गई, शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजकर दबंग रामचंद्र चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। आज गुरबख्शगंज थाने पर ठाकुरदीन का पुरवा मजरे हाजीपुर के निवासी रामबरन उपस्थित आए और उनके द्वारा थाने पर थानाध्यक्ष को एक तहरीर दी गई और बताया गया कि उनका पुत्र विशाल, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, दिनांक 16 तारीख को गांव के ही रामेश्वर, जिनकी वहां ट्यूबवेल है, नहाने गया था। नहाने के दौरान गांव के रामचंद्र चौहान से आपस में बाता कही हुई। इस दौरान रामचंद्र चौहान द्वारा उनके पुत्र विशाल को मारा पीटा गया, जिससे विशाल चोटिल हो गया था। इसकी सूचना तत्समय रामबरन द्वारा थाने पर नहीं दी गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जा कर के इलाज करवाया गया था। आज दिनांक 21 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, मृतक विशाल का पंचायतनामा भरवाया गया और पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया।